हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मोनिकास के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रोकली की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी। आओ देखते हैं ये सिंपल सी रेसिपी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये मैंने फ्रेश ब्रोकली ली है, इसको मैं जितनी मुझे यूज़ करनी है उसको मैं अलग कर लूँगी। ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में और बहुत हेल्दी भी होती है। ये मैंने जितना मुझे यूज़ करना है मैंने इनको अलग कर लिया है। और हम जो इसका ये थोड़ा सा बाहर का साइड होता है ये थोड़ा हार्ड होता है, तो इसलिए मैंने इसको बाहर से ऐसे पील कर लिया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। आपको जिस साइज़ में चाहिए छोटा बड़ा आप उस तरीके से इसे कट कर सकते हैं। ये मैंने इसको कट कर लिया है। ये मैंने दो टमाटर, लहसुन और अदरक लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने भगोने में पानी बॉईल होने के लिए रखा हुआ था और पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी सब्जी जो मैंने कट की थी। पहले मैंने ब्रोकली को ठंडे पानी से भी वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको उबलते हुए पानी में डाला है। इसे मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट तक रखूँगी। ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा ग्रीन आ गया है और इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। अब मैं इसे निकाल लूँगी, एक छन्नी में मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैंने गैस में कढ़ाई ली है, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करूँगी मैं तेल गरम होने पे 2 से 3 प्याज। मैंने ये इस तरीके से पतला स्लाइस कट किया है और प्याज हमारा जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें, ये मैंने टमाटर और अदरक लहसुन की प्यूरी बना दी थी, इसमें मैंने हरी मिर्च भी पीसी है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और थोड़ा सा पानी की सहायता से जो इसमें जार में ये पेस्ट लगा हुआ है इसको निकाल के इसको भी मैं उसमें ऐड कर लूँगी, कढ़ाई में डाल दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और मैंने मसालों को सब मिक्स किया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये देखिए मैंने ये 2 स्पून लिए हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब मैं इस मसाले को ढक के 1 से 2 मिनट तक पकाऊँगी जब तक कि ये मसाला तेल ना छोड़ने लगे। देखिए इसमें ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें ब्रोकली डालूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। ये देखिए इसको जैसे हम गर्म पानी में ब्रोकली को डालते हैं तो इसका कलर जो बहुत ही एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम अच्छा सा ग्रीन कलर आ जाता है। अब मैं इसे ढक के 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी और बीच में मैं चेक करती रहूँगी। ये बनके एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।